हाँ कैमरा ऑन हो गया, हम बहुत सारी बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखो माइटोसिस ये नॉर्मल सेल डिवीजन है, नॉर्मल सेल डिवीजन बोले तो यहाँ एक सेल से दो सेल बनता है, ये चार स्टेज में होता है। चार स्टेज का ट्रिक था बताओ फीफा, चार स्टेज का नाम। हाँ वेरी गुड, पीएमएटी, पीएमएटी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज में क्या हुआ, सबसे लंबा फेज होता है। जाहिर सा बात है प्रोफेज में अभी डीएनए को हाफ हाफ करने का शुरुआत करना है, और जाहिर सा बात है हम आपको बताया थे कि डीएनए का लेंथ एक प्रैक्टिकली साड़ी के लेंथ के हाफ लेंथ का होता है, और अगर बात करें एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.2 मीटर का होता है हमारा डीएनए। और उतना बड़ा डीएनए एक छोटे से सेल जो कि दिख नहीं रहा है उससे भी 15 गुना छोटा न्यूक्लियस जो और नहीं दिख रहा उसके अंदर होता है, तो जाहिर सा बात है बहुत ही डेंसली होता है। तो उसको खोलने के लिए ताकि हम उसको अलग करें, तो जाहिर सा बात है पहले सेपरेट करेंगे तब तो अलग करेंगे। कहने का मतलब ये कि मेरे पास एक धागा है, नया धागा खरीद के लाए और मम्मी बोल दी कि इसको एकदम हाफ हाफ कर दो, तो वो धागा तो लपटाया हुआ है ना, ऐसे ही हाफ कैसे कर सकते हैं, हमको पहले इसको खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद हम उसको हाफ काट सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो डीएनए को भी पहले खोलते हैं, वो भी उसी तरीके से लपटाया होता है। जाहिर सी बात है डीएनए को अगर खोलेंगे और उसी तरह बात करें कि अगर धागा को खोलेंगे तो वो जो जिस कूट पे वो रॉल होता है उससे हटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हमको न्यूक्लियर एनवेलप को हटाना पड़ता ताकि डीएनए बाहर आए, उसके बाद डीएनए को हम लोग हाफ करते हैं। तो यहां पे अभी इस स्टेज में मेनली स्टार्ट होता है प्रोफेज का स्टार्टिंग, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का स्टार्ट, डिसइंटीग्रेशन का स्टार्ट होना, डिसइंटीग्रेशन का स्टार्ट होना न्यूक्लियर प्रोफेज का स्टार्टिंग होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के स्टार्ट होने से। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का एनवेलप है वो टूटना शुरू होता है। नेक्स्ट फेज फर्स्ट डायग्राम, अगली प्रोफेज आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेट प्रोफेज में देखो न्यूक्लियर एनवेलप टूट चुका है, देख रहे हो। अच्छा ये दो काम मेनली यहां हुआ, क्या ये क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट इसमें क्रोमोसोम थिक होता है, शॉर्ट होता है, और बॉल ऑफ वूल स्टेज भी इसको बोलते हैं, हाँ प्रोफेज को। इसको बॉल ऑफ वूल स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब न्यूक्लियस ओपन होता है ना तो जो क्रोमोसोम है वो ऐसे बाहर आता है, ऐसा दिखता है जैसे कि मान लो जब उनका बुनाई करती है स्वेटर बुनती है तो जो बॉल होता है वोलन बॉल उसकी तरह का दिखता है, इसलिए इसको बॉल ऑफ वूल स्टेज भी बोलते हैं। यहां पे तीसरी बात जो आपको जानना है वो ये कि जो प्रोफेज का स्टार्टिंग होता है इसके स्टार्टिंग में इस सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्ट्रल रेज बनना शुरू हो जाता है। हम आपको बताए थे कि अगर ये सेल है क्रोमोसोम इधर उधर फैला बिखरा पड़ा है तो यहां पे सेंट्रियोल आएगा और सेंट्रियोल के पीछे में कुछ इस तरह से रेज होता है, इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेज। नेक्स्ट पेज में डायग्राम देख सकते हो तुमको दिखेगा, नेक्स्ट पेज में डायग्राम देखो। ट्रांजिशन टू मेटाफेज देखो, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में मेटाफेज अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो जाहिर सी बात है प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो ये जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है उसके बीच का बात है। और देखो इसमें यहां पे सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल में पीछे की तरफ भी कुछ रेज है, इनको बोले एस्ट्रल रेज, और आगे में भी कुछ रेज है जो कि आकर इस क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हो। तो जो आगे में इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, आगे वाले को क्या बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और जो पीछे में उसको क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेज, इनको क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेज। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी सुनना, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर ये जो है जिसको हम बोले स्पिंडल फाइबर, इनका बनने का शुरुआत भी प्रोफेज में होता है। जो डायग्राम अभी हम आपको दिखाए थे ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला वो एक्चुअली ये रहा, इधर है प्रोफेज इधर है मेटाफेज, ये जो उन दोनों के बीच में है वो डायग्राम है, ये इन दोनों के बीच में जो है वो डायग्राम है ये। तो ये जो स्पिंडल फाइबर आपको बना हुआ दिख रहा है ये कभी
में बनना शुरू हुआ होगा। तो बनना शुरू किस स्टेज में होता है? प्रोफेज में, तभी तो यहां बना हुआ दिख रहा है। तो इनिशिएशन कहां होता है स्पिंडल फाइबर का? प्रोफेज में। दो बात और ध्यान रखना है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोफेज के एंड में डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है? गॉल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोफेज के एंड में डिसअपीयर हो जाता है। कोई डाउट यहां तक? नहीं। गॉल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो चुका होता है। जाहिर सी बात है, लोग पहले ही पढ़ चुके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, एंड में एकदम गायब हो जाता है। स्टार्टिंग में तो स्टार्ट टूटना शुरू होता है, बट एंड में एकदम गायब। उसके अलावा ये जो सेंट्रियोल जो अभी यहां पहुंचा हुआ है, ये सेंट्रियोल स्टार्टिंग से यहां नहीं होता, वो बिखरा होता है, कहीं यहां होगा, यहां हो सकता है, कहीं हो सकता है। तो जहां कहीं भी हो वहां से एक इस साइड में और एक इस साइड में जाना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू किस स्टेज में करता है? प्रोफेज में करता है। उसके बाद आया ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जहां पे ऑलमोस्ट यहां पहुंच चुका है। अब क्या हुआ, ये जो स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुआ था वो बनकर सारे क्रोमोसोम से जुड़ चुका है, ठीक। प्रोफेज, ट्रांजिशन टू प्रोफेज, फिर क्या आया? सॉरी, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, फिर क्या आया? मेटाफेज। इसका सबसे खास बात यह होता है कि सारा का सारा क्रोमोसोम एकदम बीच में आके जमा हो जाता है। सारा का सारा क्रोमोसोम एकदम बीच में आकर जमा हो जाता है। यहां पे है तुम्हारा सेंट्रियोल और सेंट्रियोल से सबका सब जुड़ा हुआ है, और सेंट्रियोल भी पीछे में खुद एस्ट्रल रे से जुड़ा हुआ है। यहां बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, फिर यहां देखो, यहां भी सेंट्रियोल है, सारा क्रोमोसोम जुड़ा और सेंट्रियोल खुद भी पीछे एस्ट्रल रे से जुड़ा है। अब देखो डायग्राम मेटाफेज वाले का, देख पा रहे हो? अब मेटाफेज का कुछ फीचर सुन लो, फिर और देखना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जिस समय टोटल न्यूक्लियर एनवेलप टूट चुका है वहीं से मेटाफेज का शुरुआत हो जाता है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन, देखो ये एग्जैक्टली बीचों बीच वाले लाइन पे आ चुका है। जैसे अर्थ में एग्जैक्टली बीचों बीच हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, उसी तरह किसी भी चीज में एग्जैक्टली अगर बीच में, तो उसको इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं, ठीक, बोल सकते हैं, हर जगह बोलते नहीं, बोल सकते, यहां पे बोलते भी हैं। बीच में एग्जैक्टली आ चुका है क्रोमोसोम, तो इस जगह को क्या बोले, इसको हम लोग प्रैक्टिकली या अपने कन्वीनियंस के लिए बोलना सीधा इक्वेटोरियल लाइन। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन पे आ चुका है। उसके अलावा अच्छा, क्रोमोसोम जब इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया तो जाहिर सी बात है पहले इधर उधर बिखरा था, अब सब घूम के यहां आ चुका है, तो इन सब क्रोमोसोम का मूवमेंट इक्वेटोरियल लाइन पे, इस मूवमेंट को बोलते हैं कनग्रीशन। क्या बोलते हैं? कनग्रीशन। देखिए अपने नोट्स में कनग्रीशन मिला। नेक्स्ट पॉइंट, इस इक्वेटोरियल लाइन को एक और नाम देते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। तो प्रोफेज का शुरुआत कैसे हुआ था? क्या बात है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से। न्यूक्लियस का टूटना शुरू हुआ तो प्रोफेज का स्टार्टिंग हुआ। न्यूक्लियस जैसे ही पूरा पूरा टूट गया वो किसका स्टार्टिंग? मेटाफेज। पहला लाइन ही पढ़े, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट ये टूट गया तो किसका शुरुआत हो गया? मेटाफेज का। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे थे वो एक्जेक्टली बीच में आ गए, उसको बोले या तो इक्वेटोरियल लाइन या मेटाफेजिक प्लेट, ठीक। ये जो इधर उधर बिखरे हुए क्रोमोसोम थे, इनका मूवमेंट जो मेटाफेजिक प्लेट की तरफ हुआ, इस मूवमेंट का नाम कनग्रीशन। वापस बोल रहा हूं, ये जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे पड़े थे इनका मूवमेंट मेटाफेजिक प्लेट पे हो गया, इस मूवमेंट का नाम कनग्रीशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी किस शेप का दिखता है, कैसा दिख रहा है, देखने में कैसा है, ये इसका स्टडी बेस्ट तरीके से इसी फेज में हो सकता है। इसका स्टडी बेस्ट तरीके से इसी फेज में हो सकता है। बहुत मुश्किल से दिखता है, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे हुए हैं, बहुत मुश्किल से दिखता है, लगता है बीच में कुछ कुछ है जो लाइन लाइन है, कुछ कुछ है जो लाइन लाइन है, ऐसा दिखता है। मैं भी आपको दिखा पा एक्चुअली लैब में कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप से, शायद मेरे पास हो। माइटोसिस,
देखो क्या हो गया, क्या हो बोलो, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है, दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है, देखो अभी दिख रहा है कैमरा में, ध्यान से देखना, सबसे पहले वाला ये जो है इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, कैमरा में देखना, दिख रहा है, दिख रहा है, सबसे पहले देखो ये न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, प्रोफेज है ये एक्चुअली में दिखता है, कैमरा में देखो ना, यहां देखो, अच्छा ठीक है, पहले इसमें हम दिखा दे रहे, फिर ऊपर से भी दिखा दे, ठीक है, उसके बाद देखो ये है मेटाफेज, देखो किस तरह से क्रोमोसोम बीचों बीच में आके लाइक कर गया, देख पा रहे हो, ये मेटाफेज ऐसा ही दिखता है एक्चुअली, वो तो डायग्राम है जो तुम बोर्ड बुक में देख रही हो, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप से खींचा हुआ फोटो है, ये एक्चुअल सेल में ओनियन रूट टिप में हम लोग खींचे, यहां टूटना शुरू हुआ न्यूक्लियर, हाँ ये वाले है ना, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट गायब हुआ था, तो मेटाफेज शुरू हुआ, फिर देखो एनाफेज, देख रहे हो, और फाइनली देखो टेलोफेज, एग्जैक्टली एक तरफ हो गया, न्यूक्लियर मतलब बनना शुरू हो गया, पीएमएटी और कोई तुम निकालोगे, हाँ तो ये दिख रहा है ना, इसको भेज दे या छोड़ दे, एक्चुअली ये मेरा प्रैक्टिकल है जिसमें सारा स्टेप लिखा हुआ है, कैसे तुम ओनियन रूट को कट करोगे, कैसे देखोगे, सब देखना है ना, हम लोग क्यों पढ़े, हम लोग फोटो से हम पूरा ही भेज दे रहे हैं, तुम लोग देखेंगे बात, बाकी तुमको समझ में भी नहीं आया, समझ में आता है, ठीक है यहां तक, तो क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी का बेस्ट स्टडी किस स्टेज में होता है, मेटाफेज में होता है, अगला पॉइंट क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, देखो ये पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, पेंसिल से लिखे, बहुत लाइट लिखे, पेंसिल से लिखे, उसको डार्क करो फिर लिखो, बोल रहे तो कर ली, द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज आर द थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, पहले में भी तो शॉर्टेस्ट थिक ही था, पहले में कहां लिखी, प्रोफेज में भी तो शॉर्टेस्ट थिक, अच्छा उसमें कम था, इसमें होना शुरू हुआ है, होना शुरू हुआ है तो कम ही रहेगा ना, इसमें शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट, ठीक लिखने में बताना, फिर टेलोफेज में लग रहा था डायग्राम में, टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेमोरी बनना शुरू हो जाता, तो आप फिर से डीएनए कट करो, मोनो बनता, देखो क्रोमोसोम सेल के अंदर में हमेशा नहीं होता, क्रोमोसोम सेल के अंदर में हमेशा नहीं होता, क्रोमोसोम सिर्फ तभी दिखेगा ना जब न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगा, उसके पहले उसके अंदर वो डीएनए के फॉर्म होता है, जब न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगा तभी वो डीएनए बाहर निकलेगा और क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके पहले वो किस फॉर्म में होता है, डीएनए के फॉर्म, डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग चीज नहीं है, ये हम लास्ट क्लास में दिखाया था डायग्राम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमोसोम अटैचेस टू द स्पिंडल फाइबर एट सेंट्रोमियर रीजन कॉल्ड काइनेटोकोर, देखो ये सब, अगर ये सेल है, यहां है तेरा सेंट्रियोल, यहां है तेरा एक क्रोमोसोम, दूसरा तीसरा चौथा, ये सब सेंट्रोमियर मतलब बीच वाले से जुड़ेगा, हाँ,
समझ रहे बात, कहां से जुड़ रहा सबका सब? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर में जिस जगह पे जुड़ता है उसका नाम है, एक मिनट, वही तो सेंट्रोमियर होगा, पैंटोबोल जहां जुड़ा। सेंट्रोमियर इतना बड़ा रीजन है ना, इतने बड़े रीजन में मान लो यहां जुड़ा, तो इसको बोलेंगे पैंटोबोल। वहां पे तो कैसे, तो लाइक एक ही ना होगा बच्ची, ये इतना पतला नहीं जितना पतला तुमको दिख रहा है, हाँ वैसा होता है, ऐसा कुछ इधर सेल में पड़े थे ना, सेल में कैनेटो कोर भी हम लोग पड़े थे। डिस्क शेप था, जैसे बात है डिस्क डॉट थोड़ा ना होता है, थोड़ा तो बड़ा हो। खैर तो कैनेटो कोर से जुड़ा स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ये हम बताए थे ट्यूबुलिन ही माइक्रोट्यूब्यूल। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, जहां पे तीसरे वाले पॉइंट में स्पिंडल फाइबर लिखा हुआ आपका, तीसरे वाले पॉइंट में जहां स्पिंडल फाइबर मॉडल के लिए लिखे है ना, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हां ब्रैकेट में ट्यूबुलिन दे रहे थे, हो गया। ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल वो ट्यूब्यूल है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना, और बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनाया स्पिंडल फाइबर। ठीक, ऐसे मतलब कहा हाँ या ना, अरे बोल यस सर, हाँ ऐसे करके ना बोले माने, वाह अच्छा ठीक, यस चाहिए एनाफेज। अब हमको बताओ एक तरफ अफीफा एक तरफ विभूति, यहां बैठ गई ए और यहां बी, ए बी नोड कहां पड़ते थे? पढ़े हैं तो चैप्टर का नाम ना पूछ रहे बस, कहाँ पढ़े थे? हाँ टॉपिक टॉपिक ये हॉट टॉपिक पे जा रहे हैं, हॉट क्लास टेंथ एवी नोट, टेंथ में तो पढ़े नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं अगर फिर पढ़ा लेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो, बस इसके बाद उधर ही घुसना, अब कुछ बचा ही नहीं, सारा कूड़ा कचरा खत्म। वो तो रिवीजन है, वो कराएंगे फिर भी तो याद नहीं रह रहा सच में, होता तो पहले तो पहले क्लास कराया था उसके बाद तो कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दी। केमिस्ट्री पढ़ ली है तुम लोग, अब तक कहाँ तक पढ़े केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री का क्लास कर रही है ना, कहाँ पे? अच्छा तुम तो कहीं ऑफलाइन ज्वाइन की थी ना, अच्छा नहीं किया है पर नहीं, तो कितना पढ़ लिया कितना? बहुत सारे कहाँ तक कंप्लीट है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा पूछो सिंपल वही तो बोले, कोचिंग में पढ़ा है फिर हम पढ़े, हम कुछ नहीं पढ़े हैं कोचिंग में, भी न्यू चैप्टर शुरू हुआ बटन चल गए, कहाँ ज्वाइन की हुई हो? अच्छा क्या नहीं हो, वहाँ तो बहुत पीछे चल रहा है। हाँ सना बोले न्यू चैप्टर शुरू हुआ, मेरे का ड्राइवर ही नहीं है, तुम नहीं जाता? क्या बात, कब होता वहाँ का? सुबह में 9 बजे, कभी कभी जाते ही नहीं, जाते तो समझ में नहीं आता, अब तब ऑनलाइन यूट्यूब से देखना पड़ेगा। ठीक है रेवल, अब हुआ ये कि यहाँ बैठी अफीफा, यहाँ बैठी विभूति और दोनों इसको खींच रही है, अब एक बात मुझे बता, तुम लोग पकड़ के खींच रहे हो किसको? सेंट्रोमियर को, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद होगा ये कि सेंट्रोम ये टूट जाएगा, पर ये टूटेगा ऊपर के दो, ऊपर दो तो आधा ऊपर और आधा नीचे ऐसा होगा, और जब खिंचाएगा तो खिंचाएगा, तुम खींच रहे हो किसको? सेंट्रोमियर को, तो दोनों आर्म पीछे रहेगा और सेंट्रोमियर आगे रहेगा, ऐसा रहेगा। चाहिए सब बात है, अगर तुम किसी भारी चीज पर से मान लो यहां से पकड़ के खींच रहे, ऐसा है एकदम लूज पूछ है, एकदम लूज पूछ, ठीक है,
और उसको अचानक इधर तक खींच रहा है, क्या होगा? ये आगे गया और ये दोनों पीछे हो गया, कुछ ऐसा ही यहाँ होता है। अब यार ये बाल्टी है ना, खैर कोई नहीं, चलो ये ऐसा होगा। एक स्पेशल चीज दिख रहा है, सेंट्रोमियर मूविंग फॉरवर्ड, आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, इधर भी सेंट्रोमियर मूविंग फॉरवर्ड, आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक। और ऐसा ही कुछ डायग्राम में भी दिखा था, हाँ टूट गया बिल्कुल, दो बार कैसे होगा, हाफ हाफ टूट गया रे, अभी ग्रुप में आपको कुछ भेजे हैं, जरा खोलिए अगर फोन है तो, नहीं तो हम खोल के दिखाते हैं, फोन है, वेरी गुड, तो बोलो। हाँ मिला, डायग्राम देखिएगा उस पीडीएफ में, एनएफएस का डायग्राम देखो कैसा दिख रहा है, एनएफएस का डायग्राम देखो, एक्चुअली में देखो एनएफएस कैसा दिखता है, देख रहे हो, हाँ तो जैसे होते हैं अभी देखो, देखा कैसा दिख रहा है, हाँ लग रहा है कि वो जो हेड है वो आ गया और पीछे में ट्रेलिंग बिहाइंड आर्म से, क्या क्या हो गया, टूट गया क्रोमोसोम, क्या टूटा, फोन का स्क्रीन होगा कि पहले ही स्क्रीन, ओ कोई बात नहीं, वो होता है, नहीं नहीं ऊपर वाले के दया से टेम्पर फोड़े हैं एक बार गलती से, बस हो गया शुरुआत, थोड़ी बहुत वाले थोड़े टेम्पर लगा था, मगर टेम्पर ग्लास दोनों टूट गया, जरा मत यार मेरी गिरी से आना जाना कर तभी गिरा एकदम अचानक से मिस बैलेंस हुआ था, आपके साथ ऐसे कर लिया, आपका भी हो सकता है फिर सोना पॉकेट में देखिए, रामा क्या है सर का जान में तंग नहीं फोन में, ना ना अपने पैसे का फोन है, जान तो जाना ही है ना, डैडी का पैसा थोड़ा ना, ठीक है डैडी मेरी नया फोन, ये अपना पैसा है उसके लिए भी इतना कहानी बना के मना के फोन लिया, इसीलिए तो बोल रहे हैं रोड पे मत लीजिए सोच रहे ऐसे एक और फोन मंगवा के यहाँ ऑफिस में रख लेते हैं, इससे बेहतर वो प्रॉपर कवर ले लीजिए ना, अंकल आंटी को करते प्रॉपर, ये लड़की का बस है ना तो बोले काम कीजिए, यहाँ पे फीता टांग के गलत में टांग के रखिए, नहीं नहीं गोदरेज पैक करके गोदरेज टांग के रखिए, वो इजी है तो गिरेगा तो नहीं, ऊपर वाले के दया से ऊपर वाले अगर चाहे तो कभी नहीं गिराएंगे, नहीं उनको चैलेंज नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं बोलेंगे कि नहीं गिराएंगे कभी, पर चलो ऊपर वाले बुरा मान गए, अच्छा नहीं गिरा तो रिक्वेस्ट ही कर सकते, ऊपर वाले को ऑर्डर तो दे नहीं सकते, ऐसा बात है, एनएफएस समझ गया, एनएफएस में एक स्पेशल चीज हुआ, क्रोमोसोम का टूटना, हम आपको बताए थे ये कितना क्रोमोसोम है, मेटाफेज में एक क्रोमोसोम, एनाफेज में तुझ जाता है बिल्कुल, और ये कितना क्रोमोसोम है, एक, अगर इसको तोड़ दें दो दो हो जाएगा, तब दो हो जाएगा, माइंड इट, यहां वही हुआ है, यहां तक क्रोमोसोम का डीएनए अमाउंट 4C था लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 में नहीं था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, लेकिन यहां पे डीएनए अमाउंट तो 4C है इस सेल में, क्रोमोसोम नंबर भी बुझाई, पक्का पक्का, इसको भोजपुरी सिखा दी, एक बुझाई नहीं, अच्छा ठीक है बात से तारा से भोजपुरी में बतियाई ठीक बानू बोलो ठीक बा 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 ब्लैक बोलो बा ठीक है, चलिए आगे बढ़ो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, बुझाई बस तोड़ना ही तो है यार, तोड़ने में से भी कौन सा टाइम लगता है, सेकंड द सेंट्रोमियर डिवाइड सच दैट ईच क्रोमेटिड पोजेस कम्स टू पोजेस इट्स ओन सेंट्रोमियर,
मैंने आपको बताया बिल्कुल हाफ हाफ टूटता है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ, तो दोनों की तरफ सेंटर में एयर हो गया। थर्ड पॉइंट, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब समझिए, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, जब इसमें डीएनए अमाउंट डबल हुआ तो ऊपर वाले के बदले एक और बना, नीचे वाले के बदले भी एक और बना, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं। नीचे वाले नहीं थे, ये दोनों भी आपस में सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये लोग सिस्टर नहीं, ये दोनों और ये दोनों, ठीक। तो सिस्टर सेपरेट होती है, कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। सिर्फ डायग्राम में ऐसे कर रहे थे, अब एक किसी को से घुमा दी ले खुश, मानती नहीं रही, बुझाई बुझाई अभी ठीक है। अरे दो जोड़ रहा, ये दोनों आपस में सिस्टर, सॉरी ये दोनों आपस में सिस्टर और ये दोनों आपस में सिस्टर, तो ऐसे अलग हो गया दोनों सिस्टर, ये वाला सिस्टर इससे अलग, ये सिस्टर इससे अलग, दोनों टाइप से सेपरेट हो सकती है ना। नहीं, मतलब अलग ही होना है, अलग ऐसे ही होना है कि दोनों सिस्टर अलग हो, अगर ये दोनों सिस्टर है तो ऐसे अलग होगा, ये दोनों सिस्टर है तो ऐसे अलग होगा। डन 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 है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टॉवर्ड्स द ऑपोजिट पोल इज बाउट अबाउट बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। जाहिर सी बात है, ये खिंचा रहा है मतलब शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हुआ तो दोनों तरफ से प्रेशर बना और ये टूट गया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई। नेक्स्ट, यहां पे शेप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पिछले वाले में मॉर्फोलॉजी था, यहां पे शेप है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखता है, अब मतलब दिखने में कैसा है, एल शेप है, वी शेप है, जे शेप है, आई शेप है, जैसा है। कुछ नहीं, ठीक है यहां तक। अब वो हम अपने आप को समझाने के लिए हैं, क्योंकि हमको ये फोर एंड फोर से बड़ा कंफ्यूजन रहता था अपने टाइम में, तो हम खुद को समझाने के लिए एक बार समझ गए बहुत मुश्किल से, और फिर अपने समझाने के लिए एक बार जब पढ़े तो खुद से खुद को समझ में आ जाए कि हम क्या समझाना चाह रहे थे खुद को। वाह, समझ गए जल्दी। नेक्स्ट, टेलोफेज, ये बड़ा ही सिंपल फेज है, माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर, रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है, प्रोफेज में जो जो गया था यहां सब वापस आएगा, हाँ सब 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 वापस आएगा इस फेज में, देख लो। All organelles reappear which were lost at prophase. A new nuclear membrane is formed around each set of chromosomes at opposite pole by endoplasmic reticulum. मतलब ये जो अलग अलग हुआ है फाइनली उसके चारों तरफ दो टो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस या गॉल्जी बॉडी आर रिफॉर्म, मिला रिफॉर्म रीफॉर्म, जो पहले डिसअपीयर हुआ था यहाँ फिर से बनेगा, वापस बनेगा ना। हाँ, क्यों बोले से बात वो डिसअपीयर हुआ फिर अचानक से आ जाएगा, रीफॉर्म बोले नहीं थे। हाँ, जो डिसअपीयर था वो भी एक्चुअली में डाइजेशन होता है, अपने आप कुछ भी गायब नहीं होता, डाइजेशन बोले तो डाइजेशन बोले तो लाइसोसोम एक्ट करता है, लाइसोसोम गया वहां से उसको जब उड़ा दिया, ठीक, यहाँ वापस बनेगा ठीक। वो हम बोले थे जब ये पूछ ली कि आखिर जब आना ही है तो फिर गया क्यों, तो मतलब मान ले गायब हुआ है, इस पे बोले थे। उसके बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा है, गॉल्जी सीन इनहिबिट्स माइटोसिस बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मिला। ये पॉइंट एक्चुअली में टेलोफेज का नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मेरे एमएससी के वाइवा में एक्चुअली यही पूछा था हमसे कि गॉल्जी सीन क्या करता है, गॉल्जी सीन कुछ खास नहीं करता, ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है ना, ये जैसे ही यहां अलग किया वहीं पे तोड़ देता है, अब तोड़ दिया तो ये क्रोमोसोम एकदम दोनों पोल पे जा पाएगा, हम कैसे स्पिंडल फाइबर नहीं है, नहीं जाएगा, तो फिर गिर जाएगा अपने साथ, चला ये डिसअपीयर भी नहीं चला गया था, ये एनाफेज में जाना शुरू होता है। हम क्या बोले, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, टेलोफेज का पॉइंट नहीं है, प्रोसेसिंग वाला,
कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो कि एक प्लांट से लोग ऑब्टेन करते हैं। किसी सेल में अगर हम लोग कॉल्चिसिन डाल दें तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो डबल हो जाता है। कॉल्चिसिन नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे तो प्रोसेस में आया ना कॉल्चिसिन। हाँ, अभी नहीं आया, नहीं हम क्या बोले ये अलग से है, हम लोग डालते हैं नेचुरली नहीं होता। हाँ वही नेचुरली हम लोगों में तो नहीं होता है, हम लोगों में बाकी प्लांट में भी नहीं होता, सिर्फ एक प्लांट में मिलता है कॉल्चिसिन। तो हम लोग की बॉडी में उसको आता है, हमारे बॉडी में नहीं आता, बोल तो रहे हैं। मान लो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको कोई चीज, जैसे मान लो हम बताए थे आपको कि डीएनए में कोडिंग है, अगर मेरा डीएनए का कोडिंग डबल होगा तो दो के बजाय चार हाथ हो सकता है, बताए थे। मेरे पास एक पेड़ है जो अर्पिता चुरा लिया उसे, ये गुलाब का पेड़ ठीक है, मैंने ये प्लांट है किसका, रोज का, इसमें एक डाली पे एक फ्लावर आता है ठीक है। एक दिन मेरे अंदर का साइंटिस्ट जाग गया और उसके दिमाग में आया कि इसका एक डीएनए की वजह से इसमें एक बार में एक एक, एक ब्रांच पे एक फ्लावर फोड़ेंगे, तो हम क्या किए इसका एक फ्लावर निकाले, माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर आप लोग पढ़ चुके हैं टेंथ में, हम एक सेल से प्लांट बना सकते हैं, उस सेल को पकड़े, उस सेल को डिवाइड कराए, जैसे ही ये दो सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ हम इसके अलग से कॉल्चिसिन डाल दिए मार्केट से खरीदा के, तो कॉल्चिसिन क्या किया कि इसके डीएनए को क्रोमोसोम नंबर को 2n से 4n में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस प्लांट का जो, अब इससे जो प्लांट बनेगा इन सब सेल से, इन सब सेल में जस्ट डबल क्रोमोसोम है, तो डबल क्रोमोसोम होने की वजह से एक ब्रांच पे जो एक फ्लावर था इसमें, इस वाले में एक ब्रांच पे दो फ्लावर हो जाएगा। तो हम लोग ये जानबूझ के करते, जैसे मान लो हमारे पास पहले वीट जो था 2n था, अभी हमारे पास जो वीट हम उगाते हैं वो हेक्साप्लॉइड है 6n, तो जितना पहले दाना आता था वीट गेहूं, तो जितना पहले दाना आता था अभी उसका 6 गुना दाना आ रहा है उसी एक प्लांट से, क्योंकि उसको हेक्साप्लॉइड का देखा कैसे यही कॉल्चिसिन डाल डाल मिलता है मार्केट में। हाँ बिल्कुल, जो किसान उगा रहा है गेहूं वो सब यही है, इसी को हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं ठीक है। कैसे किए, तो हम लोग जैसे ही उसका एनाफेज आने वाला था उसमें कॉल्चिसिन डाल दिए, तो एनाफेज भी ये टूटा, जैसे ही टूट के क्रोमोसोम अलग हुआ, अब हम जैसे ही अलग से कॉल्चिसिन मार्केट से खरीद के लेके आए डाले, जैसे ही डाले तो ये माइक्रोट्यूब यहीं पे टूट गया, तो अब जो क्रोमोसोम को इस एंड पे पहुंचना था न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना था, उसके बाद बीच से केवल सेल वॉल बन जाता तो दो सेल बन जाता, हम इसको तोड़ दिए यहां पहुंच ही नहीं पाया, तो क्या न्यूक्लियस बनेगा या बीच में ही रह गया दोनों का, न्यूक्लियस बना जिसमें दोनों ही है, और बताए थे टूट चुका, तो अब इसको दो नहीं चार क्रोमोसोम बोलेंगे, 4n बोलेंगे, तो 4n क्रोमोसोम हो गया इस सेल में। इस तरीके से कॉल्चिसिन क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है, कैसे एक्ट कैसे करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को तोड़ देता है। सर ऐसा करवा सकते हैं, होता तो नहीं है ऑटोमेटिकली, नहीं हम कराते हैं, कर नहीं भी सकते, सेल्यूलर से भी तरीके से होता है, हाँ कॉल्चिसिन डालेंगे जब डबल हो जाएगा, अपने आप नहीं हम डालेंगे हाँ तब होगा ठीक। हो ये दो बज गया, तो 5 मिनट नहीं फिर 2 मिनट हो गए, नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। जाहिर सी बात है जिसको ज्यादा दिमाग में घुसाइएगा, बस इतना जानिए कि अब जब दोनों पोल पे क्रोमोसोम जा चुका है तो वहां पे न्यूक्लियर, अच्छा वहां पे न्यूक्लियर वेलम का भी फॉर्मेशन हो चुका है, अब बीच में सेल वॉल बना देना है, बोर्ड देखो बीच में सेल वॉल बना देना ताकि ये सेल अलग ये सेल अलग। सेल वॉल बनाने का दो तरीका, एक कि ये आपका सेल है ना, ये आपका सेल है, आप क्या किए इधर से काटना शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ेगा और जाके जुड़ जाएगा, जैसे ये जुड़ा तो आप ये यहां से अलग हो गया, ऐसा हो गया, दो सेल बन गया, इसको बोलते हैं सेल फॉरो मेथड। क्या बोलते हैं? सेल फॉरो मेथड, क्योंकि यहां फॉरो बनता है ठीक है।
और दूसरा मेथड होता है सेल प्लेट मेथड, जो प्लांट में होता है। देखो यहां पे ऐसे 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 करके कुछ को जमा होना शुरू होगा। सबसे पहले मिडिल लैमिला बनेगा, मिडिल लैमिला बनने के बाद दोनों साइड से प्राइमरी वॉल बनेगा और ये अलग हो जाएगा, दोनों से अलग हो गए। तो ये प्लांट में, ये एनिमल में, बस याद रखना। अब जो हम पेंसिल से लिखे हैं वो देखो, हाँ थर्ड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ऑफ अ सेल टू डिवाइड, कोई सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा ये डिसाइड कब होता है? अगर इन जीवन फेज, जब कोई सेल जीवन फेज में होता है तब वो डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है। इफ अ सेल डज नॉट वांट टू डिवाइड, इट विल इंटर इनटू जीनोट फेज और क्वेसेंट फेज। ये आपको पता है, बता चुके हैं। व्हेन द कंडीशंस चेंज दिस सेल कैन इंटर बैक इनटू जीवन फेज। ठीक, अब जीवन फेज और एस फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। जीवन फेज और एस फेज के बीच में चेक पॉइंट होता है। तो जीवन फेज एंड एस फेज ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट और चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट और चेक पॉइंट। ये मेजर चेक पॉइंट है, मेन, जहां पे चेक करते हैं कि क्या डीएनए जो सेल डिवाइड करने वाला है उसका न्यूक्लियस, उसका डीएनए ठीक है कि नहीं ठीक है। ये चेक क्यों करते भाई? अगर मान लो जो सेल उनको डिवाइड कराना है उसके डीएनए में पॉलिश नहीं, कुछ गड़बड़ी है, अब वो डिवाइड करेगा तो वो गड़बड़ी दो सेल में आ जाएगा, तो कैंसर ऐसे ही कॉज होता है। ये चेक पॉइंट ही फेल कर जाता है, रोक ही नहीं पाता है। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, सिर्फ इतना ही। तो और उसके डीएनए में ना एक गड़बड़ी आ जाता है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। डीएनए में गड़बड़ी आया इसीलिए सेल अनकंट्रोल्ड हो गया। अब ये जो चेक पॉइंट है सेल साइकिल का, जीवन टू डेथ चेक पॉइंट, इसका काम होता है कि वैसा कोई भी सेल हो तो आप उसको चेक करो कि डीएनए में गड़बड़ी, बस रोक दो उसको, जीवन में भेज दो, उसको डिवाइड ही नहीं करने दो। जब ये लोग चेक नहीं कर पाएंगे तो वही गलत डीएनए वाला सेल लगातार डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और उसको तो कैंसर बोलेंगे। ये प्रॉब्लम है, इसका भी बहुत लंबा सा छोरी एमएससी पे मिलेगा, हम जब उसको देखो कुछ कोई भूल जाएगा। हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम यही सब पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में यही सब एग्जाम में पूछता, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कैंसर कैसे होता है, चेक पॉइंट कैसे काम करता है, तो जानना हो तो एकदम बुक ला कर दे, हम बताएंगे बुक दे पढ़ ले। खैर, जीवन टू एस ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट और चेक पॉइंट। दिस इज मेजर चेक पॉइंट। वंस द सेल क्रॉसेस द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इट इज डेस्टिनी टू कंप्लीट सेल साइकिल। एक बार अगर कोई सेल जीवन फेज से एस फेज में चला जाएगा तो अब तय बात है कि कुछ भी हो जाए उसको डिवाइड करना ही है। जीवन से इसको जी नॉट में जाना होगा, उसको डिवाइड नहीं करना। हाँ बिल्कुल, जी नॉट से, जीवन से वापस लौट जाओ जी नॉट में, वही ऑप्शन है। एक बार एस में चले गए तो फिर कोई नहीं बदल सकता, सेल साइकिल कंप्लीट करना है, डिवाइड करना है। वैसे एक और माइनर चेक पॉइंट भी होता है जो कि जी टू और एम के ट्रांजिशन पे होता है। जी टू से एम फेज में जाने से पहले एक और चेक पॉइंट होता है, उसको माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं। मेजर चेक पॉइंट जीवन से एस, माइनर चेक पॉइंट जी टू से एम। ऐसे ये पूरा पूरा एक्स्ट्रा था बट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बॉडी घर से, तो कैंसर होने के लिए डीएनए में चेंज चाहिए जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। तो धूप में निकली, कोई यूवी रे आया, टकराया और वहां पर डीएनए में चेंज कर दिया, इस तरह से मैं कैसे उसको रोक देता वहीं पे, तो फिर वो अगर डिवाइड कर गया तो बढ़ जाएगा। असल में वो भी क्लास बंक किया था इसलिए उसको पता नहीं कैसे चेक करना है, इसलिए हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग म्यूसिस शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि खत्म भी कर लें। म्यूसिस दो फेज में होगा, M1, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 का प्रोफेज सिर्फ नया है, बाकी मेटाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज ये सब ऑलमोस्ट सेम, और म्यूसिस और म्यूसिस 2 तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि माइटोसिस ही है, एक स्लाइट चेंज के साथ बताऊ। ठीक है, ट्यूजडे नहीं तो थर्सडे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे पहले एक चैप्टर ह्यूमन, एक चैप्टर प्लांट, एक ह्यूमन एक प्लांट। तो मेरे हिसाब से पहले प्लांट पढ़ो, आसान है, जल्दी निकल जाएगा। तो चल पहले एनिमल, पहले डाइजेशन पढ़ाएंगे, डाइजेशन पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे प्लांट। लंग्स तो शुरू किए थे, ठीक है शुरू किए थे।
तो अब हम वो लेक्चर वेक्चर भेजना फिर से चालू कर देते हैं। अच्छा नहीं, अभी एनिमल किंगडम पहले खत्म करना। चलो ठीक है।